तो रेसलमेनिया 37 तो जस्ट अभी शुरू हुआ क्योंकि नाइट 2 भी आनी बाकी है, लेकिन नाइट 1 इतनी ज्यादा धमाकेदार होगी, आई थिंक ये जो चीज है वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के रेसलमेनिया शो के बारे में करेंगे बात। और भाई रेसलमेनिया 37 इतना ज्यादा ब्लॉकबस्टर जाएगा, आई थिंक ये जो चीज है वो किसी ने भी नहीं सोची थी, क्योंकि जो शो है वो आज का वो शुरुआत से लेकर आखिर तक एकदम 5-स्टार मैच जाता है। ड्रू मैकइंटायर की बात कर ले तो आज उन्होंने बॉबी लैशली का फेस किया, तो क्या आज वो न्यू चैंपियन बन पाए या फिर नहीं, मेन इवेंट के अंदर बॉस का फेस करती है हमारी EST और WWE। और भी शो पर काफी सारी चीजें होती हैं क्योंकि आज ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी स्टील केज को तोड़कर रख दिया है। तो भाई जो आज सारी चीजें हुई है रेसलमेनिया के पूरे शो के ऊपर उनके बारे में डिस्कस करने वाले, शो कैसा था, शो पर कौन कौन से विनर आए, बैड बनी ने कैसी परफॉर्मेंस दी, सारी चीजों के बारे में हम लोग करने वाले हैं बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के रेसलमेनिया 37 की जो नाइट 1 की शुरुआत है वो हमें करते हुए नजर आते हैं WWE के चेयरमैन द बॉस विंस मैकमैन। विंस मैकमैन सभी WWE सुपरस्टार्स के साथ हमें एंट्रेंस रैप पे आते हुए नजर आते हैं, और एंट्रेंस रैप पे आने के बाद वो सभी जो ऑडियंस है उनका रेसलमेनिया के अंदर वेलकम करते हैं। जो विंस मैकमैन है सभी का थैंक्स करते हैं जिन जिन लोगों ने आज रेसलमेनिया का जो इवेंट है वो अटेंड किया है। पैंडेमिक के टाइम पे WWE जरूर से चल रहा था, लेकिन जो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि WWE फैंस है वो वहां पर मिसिंग थे, जो कि आज ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल रेसलमेनिया के अंदर आए हैं। और विंस मैकमैन कुछ इस तरीके से पूरी ऑडियंस का वेलकम करते हैं रेसलमेनिया 37 के अंदर। लेकिन भाई जैसे ही जो शो है वो शुरू होने चलता है बारिश पड़ने लग जाती है, और बारिश के कारण जो रेसलमेनिया है वो आधे घंटे डिले हो जाता है। आधे घंटे बाद फाइनली जो है रेसलमेनिया शुरू होता है, और रेसलमेनिया की जो शुरुआत है वो करता है इस बार WWE चैंपियनशिप का मैच, जहां पर हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर फेस करते करंट WWE चैंपियन द डोमिनेटर बॉबी लैशली का। लेकिन भाई जो ड्रू मैकइंटायर लाइव क्राउड को एक बार फिर से देखने के बाद काफी इमोशनल हो जाते हैं, और शो की ओपनिंग के ऊपर ये मैच रखना मेरे हिसाब से WWE का नाइट 1 का बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मैच जो है वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक बहुत ही ज्यादा क्लोज काउंट वाला जाता है। ड्रू मैकइंटायर सुसाइड डाइव भी लगाते हैं मैच के बीच में, और वो MVP के ऊपर भी एक तरह का कह सकते हैं सुसाइड डाइव लगाते हुए नजर आते हैं। बॉबी लैशली भी काफी बार हर्ट लॉक देने का ट्राई करते हैं, एक बार हर्ट लॉक थोड़ा बहुत लग भी जाता है, लेकिन जो ड्रू मैकइंटायर उसे हमें ओवरकम करते हुए नजर आते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर होता क्या है, जो ड्रू मैकइंटायर है वो क्लेमोर लगाने चलते हैं बॉबी लैशली को, और वो इस मैच को खत्म करने चलते हैं, लेकिन MVP की यहां पर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। MVP कुछ बोलते हैं यहां पर बॉबी लैशली को, ड्रू मैकइंटायर ध्यान उनकी तरफ देते हैं, फिर वो क्लेमोर लगाने चलते हैं, बॉबी लैशली डॉच कर जाते हैं, और भाई फाइनली एक बहुत ही तगड़ा हर्ट लॉक पड़ जाता है यहां पर ड्रू मैकइंटायर को। ड्रू मैकइंटायर उससे बच नहीं पाते हैं, वो ट्राई क्या करते हैं, वो टर्न बकल के ऊपर लात मारते हैं ताकि वो इसे डॉच कर जाए, लेकिन भाई बॉबी लैशली छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, और मैच के एंडिंग के अंदर ड्रू भीयोस टाइप हो जाते हैं, और रेफरी इस बात को अनाउंस करते हैं कि इस मैच के विनर हैं डोमिनेटर चैंपियन यानी कि अपने करंट WWE चैंपियन बॉबी लैशली। और शो की ओपनिंग के ऊपर उन्होंने आज अपनी इस WWE टाइटल को इस बहुत ही कमाल के ओपनिंग मैच के अंदर रिटेन किया, और इस मैच को मैं 4.75 रेटिंग देना 5-स्टार में से पसंद करूंगा। इसके बाद जो शो पर नेक्स्ट मैच होता है वो होता है एक टैग टीम टर्मोइल मैच, जो विनर होता वो नाइट 2 के ऊपर फेस करेगा हमारी करंट वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन यानी कि नाया जैक्स एंड शेना बेज़लर का। और इसकी जो शुरुआत है वो हमें नयोमी एंड लाना करती हुई नजर आती हैं, और शुरुआत में वो फेस करती है कार्मेला एंड बिली के का, और कार्मेला एंड बिली के काफी सरप्राइज वे में हमें इस मैच में एलिमिनेट करती हुई नजर आती हैं एकदम स्टार्टिंग के अंदर नयोमी एंड लाना को। फिर वहां से हमें रायोट स्क्वाड के दोनों मेंबर यानी कि लिव मॉर्गन एंड रूबी रायट आती हुई नजर आती है, इनका मैच भी काफी अच्छा जाता है, और पिछले मैच की तरह एक चीटिंग वाला जो पिनफॉल है एक बार फिर से कार्मेला करने का ट्राई करते हैं बिली के साथ मिलकर, लेकिन इस बार जो रेफरी है वो देख लेते हैं और वो काउंट होने नहीं देते, इसलिए इस मैच की एंडिंग के अंदर हमें रूबी रायट एंड लिव मॉर्गन जीती हुई नजर आती हैं, और वो एलिमिनेट कर देती हैं कार्मेला एंड बिली के को। हारने की जो फ्रस्ट्रेशन है कार्मेला में काफी होती है, इसलिए वो हारने के बावजूद हमें दोनों मेंबर्स के ऊपर हमला करती हुई नजर आती हैं। फिर वहां से हमें मैंडी रोज एंड डायना ब्रूक आती हुई नजर आती हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि शो की स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी बहुत बारिश पड़ रही होती है, और इसलिए जो मैंडी रोज है वो हमें फिसलती हुई नजर आते हैं अपनी एंट्री के टाइम के ऊपर, और जो काफी सारे फैंस है उस चीज को देख के हंसते हैं। लेकिन फाइनली ये जो मैच शुरू होता है और आखिर में एक सरप्राइज रोल अप टाइप के साथ हमें एक बार फिर से रेयर स्क्वाड जीतती हुई नजर आती हैं। फिर वहां से आती हैं फाइनल कॉम्पिटिटर यानी कि नटालिया एंड टमीना। नटालिया एंड टमीना शुरुआत में ही आती हैं, अपने काफी तगड़ी डोमिनेंस दिखाती हैं, और आखिर में नटालिया एंड टमीना हमें जीतती हुई नजर आती है जब टमीना अपना जो फिनिशर है अपने पापा को जो एक्चुअल में फिनिशर है वो टॉप रोप से यूज करती हुई नजर आती हैं, और वो इस टैग टीम टर्मोइल के पूरे मुकाबले को हमें जीती हुई भी नजर आती हैं। इसके बाद हमें शो पर दिखाई देता है एक बहुत ही कमाल का
सिंगल्स मैच और यहाँ पर हमारे स्विस एबॉट सेजारो फेस करते हैं स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस का। और भाई यहाँ पर होता है सेथ रॉलिंस का एक न्यू थीम सॉन्ग डेब्यू। अगर मैं मैच की बात करूँ तो मैच शुरुआत से लेकर आखिरी तक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इनफैक्ट मैच के बीच में जो सेथ रॉलिंस है वो पेडिग्री भी सेजारो को देते हुए नजर आते हैं, लेकिन सेजारो उसका भी किकआउट कर जाते हैं। सेजारो भी मैच के अंदर हमें काफी सारे गड न्यूट्रलाइजर लगाते हुए नजर आते हैं, सेजारो स्विंग देते हैं, सेथ रॉलिंस भी लेकिन अपनी हार नहीं मानते हैं। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर क्या होता है, सेथ रॉलिंस कर्व स्टॉर्म देने चलते हैं, सेजारो उसका काउंटर करते हैं और उन्हें अपरकट लगाते हैं, फिर आखिर में सेजारो स्विंग लगाते हैं। इनफैक्ट जो सेजारो है वो यहाँ पर अपने कंधों पे सेथ रॉलिंस को रखे हमें घूमते हुए नजर आते हैं। भाई जैसे कहते हैं ना UFO इधर उधर घूम रही है, वैसे कुछ यहाँ पर सीन सेजारो बनाते हैं। और फाइनली इस मैच के एंडिंग के अंदर एक और गट न्यूट्रलाइजर पड़ता है और सेजारो की बहुत ही बड़ी जीत होती है आज रेसलमेनिया 37 के शो के अंदर। जो क्राउड है, जो फैंस है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सेजारो एंड सेथ रॉलिंस एक बहुत ही कमाल का रेसलमेनिया मैच हमें आज शो पर देते हुए नजर आते हैं। फिर इसके बाद होता है शो के ऊपर एक रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जहां पर हमारे द न्यू डे के दोनों मेंबर्स यानी कि कोफी किंगस्टन एंड एक्सेवियर वुड इस बार फेस करते हुए नजर आते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स एंड उनके बॉडीगार्ड और जिस सुपरस्टार का आज रेसलमेनिया के अंदर हो रहा है डेब्यू यानी कि द जायंट ओमोस का। वैसे जो मैच की शुरुआत है वो हमें ओमोस करने चलते हैं, लेकिन जो कोफी किंगस्टन है वो जानबूझ के एजे स्टाइल्स को भड़काते हैं कि भाई लगता है एजे स्टाइल तू आज मुझसे डर गया, इसलिए तो शुरुआत में ओमोस को भेज रहा है, तू रहने दे, तू मत आ, मैं ओमोस से लड़ लेता हूं। जो एजे स्टाइल्स है वो थोड़ा भड़क जाते हैं एंड वो ओमोस को कहते हैं कि भाई तू खड़ा हो बाहर और मैं जाके इस मैच को शुरू करने वाला हूं। फिर भाई मैच शुरू हो जाता है, कोफी किंगस्टन की जो चाल है वो कामयाब हो जाते हैं क्योंकि कोफी किंगस्टन एंड एक्सेवियर वुड जो कि एक बहुत ही अच्छी टैग टीम है वो कुछ काफी अच्छी टैग टीम मूव हमें एजे स्टाइल्स को मारती हुई नजर आती है। एजे स्टाइल्स काफी डिस्परेट होते हैं कि वो ओमोस को देख के टैग दे और भाई ओमोस आके रिंग के अंदर डोमिनेशन दिखाए, लेकिन जो यहाँ पर कोफी किंगस्टन एंड एक्सेवियर वुड है जो मेनली उनका कहते हैं ना मास्टर प्लान वो ये होता है कि हमें ओमोस को जो है वो टैग देने ही नहीं देना है। लेकिन फाइनली जो एजे स्टाइल्स है बहुत ही ज्यादा पिटने के बाद कोफी किंगस्टन का काउंटर करते हैं, एक्सेवियर वुड जब तक टॉप रोप के ऊपर चढ़ते हैं, एजे स्टाइल्स टॉन्ट करने के बाद फाइनली जो टैग है वो देते हैं द जायंट ओमोस को। ओमोस को देखिए भाई एक्सेवियर वुड क्या कोफी किंगस्टन की भी हक्के बक्के गुल हो जाती हैं क्योंकि उनकी जो पावर थी वो यहाँ पर एकदम साफ साफ झलकती है, वो दोनों की भाई चीथड़े उड़ा के रख देते हैं। और भाई जैसे ही ओमोस आते हैं उनकी तगड़ी सी डोमिनेशन के बाद एक बहुत ही इजी विक्ट्री आती है एजे स्टाइल्स एंड ओमोस के हाथ के अंदर एंड फाइनली जो एजे स्टाइल्स है वो आज रेसलमेनिया जैसे बड़े शो के ऊपर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं। एजे स्टाइल्स काफी खुश होते हैं और ओमोस का भी एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डेब्यू हो चुका है रेसलमेनिया 37 के शो के ऊपर। इसके बाद होता है इस बार शो पर एक बहुत ही बड़ा स्टील केज मैच और स्टील केज मैच होता है इस बार द मॉन्स्टर अमंग द मेन ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस शेन मैकमैन के बीच यानी कि बुद्धि बनाम बल जिसको हम कहते हैं, वैसे एक मैच होना था आज रेसलमेनिया के शो के अंदर। और भाई जो शेन मैकमैन है वो एंट्री करते हैं, जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो एंट्री करते हैं, जब ब्रॉन स्ट्रोमन एंट्री करते हैं वो स्टील केज के पास आ जाते हैं। शेन मैकमैन कहते हैं नहीं भाई मैं इसे एंटर अंदर होने नहीं दूंगा, इससे अच्छा ब्रॉन स्ट्रोमन को बाहर ही रखो। लेकिन भाई ये शेन मैकमैन की चाल होती है क्योंकि अलायंस एंड जैक्सन राइकर स्टील चेयर से हमें बहुत ही तगड़ा ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं। जब ब्रॉन स्ट्रोमन काफी घायल हो जाते हैं तब शेन मैकमैन जो स्टील केज है उसका हमें दरवाजा खोलते हुए नजर आते हैं और वो अलायंस एंड जैक्सन राइकर की मदद के कारण ब्रॉन स्ट्रोमन को किसी तरह रिंग के अंदर ले आते हैं। शेन मैकमैन के हाथ में फिर होती है इस बार स्टील चेयर। जो मैच है भाई शुरुआत से हमें शेन मैकमैन पहले डोमिनेट काफी वे में करते हुए नजर आते हैं, वो स्टील चेयर से लगातार हमला करते हैं ब्रॉन के ऊपर, लेकिन फाइनली जो ब्रॉन है वो एक बहुत ही पिटाई के बाद हमें कमबैक करते हुए नजर आते हैं और वो शेन मैकमैन की हमें रिंग के बीचों बीच धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आते हैं। फिर शेन मैकमैन क्या करते हैं वो हमें एक कोस्ट टू कोस्ट देते हुए नजर आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को। ब्रॉन स्ट्रोमन लेकिन जो है वो उससे भी हमें किक आउट करते हुए नजर आते हैं। फिर होता क्या जो ब्रॉन स्ट्रोमन है भाई वो किक आउट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके बाद जो शेन मैकमैन वो क्या करते हैं वो केज को एस्केप करने का ट्राई करते हैं। शेन मैकमैन ऑलमोस्ट काफी ऊपर पहुंच जाते हैं लेकिन फिर जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो उठ जाते हैं और वो शेन मैकमैन को जाके ऊपर वहां पर पकड़ लेते हैं। जब ब्रॉन स्ट्रोमन पकड़ लेते हैं शेन मैकमैन को, शेन मैकमैन सोचते हैं भैया अब मैं बचू कैसे ब्रॉन स्ट्रोमन से, वो करते क्या ऊपर एक टूल बॉक्स पड़ी होती जो कि मेरे हिसाब से शेन मैकमैन ने पहली अरेंज करवा ली थी और वो टूल बॉक्स उठाते हैं और सीधा जो डब्बा है वो ब्रॉन स्ट्रोमन के सिर के ऊपर मारते हुए नजर आते हैं।
हैं और ब्रॉन स्ट्रोमर एक ऊंचाई से हमें सीधा नीचे फैलते हुए नजर आते हैं, यानी कि गिरते हुए नजर आते हैं। फिर शेन मैकमैन को लगता है कि भाई अब तो मैच जीत ही गए हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो हमें स्टील केज को एस्केप करते हुए नजर आते हैं। लेकिन थोड़ा जैसे वो क्रॉस करते स्टील केज को, वो वहां पर टर्न करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमर को, वो कहते हैं ब्रॉन देख भाई मैं जीत रहा हूं और तू इस मैच के अंदर हार रहा है। ब्रॉन स्ट्रोमर तुरंत खड़े होते हैं, जो हाथ होता है स्टील केज के अंदर शेन मैकमैन का, वो उस हाथ को पकड़ लेते हैं और भाई शेन मैकमैन घबरा जाते हैं कि अब मैं करूं तो करूं क्या। जो ब्रॉन स्ट्रोमर है वो अपनी ताकत दिखाते हैं और वो उतना ही जो स्टील केज का है वो हमें तोड़ते हुए नजर आते हैं। फिर शेन मैकमैन को वो अंदर घसीटते हैं, शेन मैकमैन को ऊपर से हमें एकदम स्टील केज की टॉप से फेंकते हुए नजर आते हैं और आखिरी में जो ब्रॉन स्ट्रोमर है एक पिनफॉल विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आते हैं शेन मैकमैन के ऊपर और काफी डोमिनेट वे में ब्रॉन स्ट्रोमर की आखिरी में जीत हो जाती है। ये जो मैच था काफी एंटरटेनिंग लगा, स्पेशली जो ब्रॉन की ताकत दिखाई स्टील केज को तोड़ने वाली वो भी अच्छी थी और मेरे हिसाब से ये जो मैच है इतना बोरिंग भी नहीं था जितना मेरे हिसाब से हम सभी ने सोचा था। लेकिन उसके बाद होता है शो पर एक टैग टीम एक्शन जिसका शायद काफी लोगों को इंतजार नहीं होगा, लोगों को लग रहा था ये मैच बोरिंग होगा। और यहाँ पर द मिज एंड जॉन मॉरिसन कुछ बनी के साथ अपनी एंट्री करते हुए नजर आते हैं एंड वो फेस करते हैं एक बुरे यानी कि बैड बनी एंड डेमियन प्रीस्ट की टैग टीम का। बैड बनी हमें रेसलमेनिया के अंदर एक बहुत ही कमाल की या फिर कह लो धासु एंट्री करते हुए नजर आते हैं। फिर जो मैच इन दोनों का शुरू होता है डेमियन प्रीस्ट है वो स्टार्ट करने चलते हैं लेकिन जो मिज है वो साथ है बैड बनी को और वो कहते हैं भाई तू आ रिंग के अंदर, अगर तुझमें दम है तो मुझसे आके फेस कर। फिर जो बैड बनी है वो हमें आते हुए नजर आते हैं और जो बैड बनी है भाई मैच के अंदर क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो प्रोफेशनल सुपरस्टार है या फिर कह लो जो प्रोफेशनल एथलीट है, वो रे मिस्टीरियो जैसे काफी सारे मूव्स भी हमें मारते हुए नजर आते हैं, वो टॉप रोप से हमें जंप भी मारते हुए नजर आते हैं। जो मिज है वो बैड बनी को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे मूव्स कहां से मार रहा है। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर एक हैप्पी एंडिंग होती है और जो बैड बनी एंड डेमियन प्रीस्ट है वो हमें इस मैच के अंदर जीते हुए नजर आते हैं। जो डेमियन प्रीस्ट है उनका बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कम एक्शन होता है मैच में और बैड बनी ने सही में भाई काफी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है आज रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर। इसके बाद अब हम लोग बढ़ लेते हैं मेन इवेंट की तरफ और मेन इवेंट के अंदर जो मैच था वो था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, द बॉस साशा बैंक्स वर्सेस द ईएसटी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई बियांका ब्लेयर के बीच। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल मैच था जरूर वो काफी कमाल का था लेकिन मेरे हिसाब से साशा बैंक्स और बियांका ब्लेयर का मैच जो है वो मेन इवेंट होना शो पर डिजर्व करता था। जो फैंस थे वो इस मैच के अंदर जो एक्शन हो रहा था उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश थे और भाई खुश होना भी चाहिए क्योंकि ये जो मैच था वो एकदम 5-स्टार मैच था और इस मैच के एंडिंग के अंदर एक काफी हैपिंग एंडिंग होती है और बियांका ब्लेयर हमें हराते हुए नजर आती है द बॉस साशा बैंक्स को और बियांका ब्लेयर न्यू चैंपियन बन चुकी है आज रेसलमेनिया 37 के इतने बड़े मेन इवेंट के अंदर। और भाई कुछ इस तरीके से आज की रेसलमेनिया 37 की नाइट वन खत्म होती है और अभी रेसलमेनिया खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ नाइट वन खत्म हुई है, कल होगी नाइट टू जो कि मेरे हिसाब से नाइट वन से भी ज्यादा अच्छी होगी। और मेरे हिसाब से जो हम सोच रहे थे ना कि रेसलमेनिया बोरिंग होने वाला है वैसा कुछ भी नहीं था आज रेसलमेनिया में और रेसलमेनिया हमेशा की तरह एक बहुत ही बड़ा शो था, एक बहुत ही अच्छा शो था और देख के काफी मजा आया जब एक बार फिर से लाइव ऑडियंस आज हमें शो पर रिटर्न करते हुए नजर आई। आपको कैसा लगा रेसलमेनिया आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, भाई मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा और भाई मैं आज के शो को 5-स्टार में से 5-स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। और गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के एंड और भी फ्रेश अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।